एक्सा से कॉन्ग्रेचुलेशन टू मी। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल DVS राइडर डायरी। सो फाइनली बड़े दिनों से जिस चीज़ का मुझे इंतज़ार था वो चीज़ आ चुकी है। वो चीज़ है हमारी iPhone 14, जिसका मेरे को बेसब्री से इंतज़ार था, जो मैं लेना चाहता था अभी, क्योंकि इसमें सिनेमैटिक शॉट वगैरह, जैसे मैं व्लॉगिंग करूँगा तो ये चीज़ मेरे के लिए बेनिफिट रहेगी। हमें कैरी नहीं करना पड़ेगा अपना DSLR वगैरह, तो हम छोटे से कॉम्पैक्ट सी चीज़ से हम बहुत अच्छे तरीके से वीडियो को डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये है हमारा iPhone 14। अभी करूँगा मैं इसको अनबॉक्स। आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है iPhone 14 और यहाँ पे फ्लिप लगी है, वो मैंने निकाल दी। गाइस देख सकते हो बैक से आपकी लुक, और ये है इस पर क्लिप लगा हुआ है। इसको ओपन करते हैं। सो फाइनली देख सकते हो मेरा iPhone, जो बैक साइड से ऐसा रहेगा, आपकी लुक ऐसी रहेगी। वाइट मेरे को इसलिए लेना था क्योंकि वाइट मैंने अभी तक नहीं लिया था कोई भी iPhone। ब्लैक लिया हुआ है, ग्रे लिया हुआ है, अलग अलग कलर थे, बस इस टाइम पे ये लिया। इसकी लुक बहुत प्यारी लगती है। साइड से देख सकते हो आप बटन, यहाँ से अप एंड डाउन, और यहाँ से जो 5S ही नहीं आता उसकी तरह है पूरा टोटल। तो अब इसको करते हैं ओपन। वाजी लोगो फाइनली ओपन हो चुका है। इस पर हो रहा है स्वाइप टू ओपन बता रहा है अभी। यहाँ से सेलेक्ट करेंगे हम इंग्लिश, और आप कहाँ पे हो, कौन सी आपकी कंट्री है, यहाँ पे आपने बताना है। तो हम है कहाँ से, इंडिया। यहाँ से सेलेक्ट कर चुका हूँ अपनी लैंग्वेज। क्विक स्टार्ट आ रहा है, इस पर सेटअप मैन्युअली करेंगे हम। कंटिन्यू कर दो आप। चूज अ नेटवर्क, नेटवर्क पे आप अपना वाईफाई का जो आपका आएगा उसमें डाल सकते हो। ये है मेरा पुराना आईफोन और ये है मेरा नया आईफोन, तो इसका डाटा मैं ट्रांसफ़र करने जा रहा हूँ इसमें। तो फाइनली इसको मैं अभी ओपन करता हूँ। आपका पुराना आईफोन है, अब आपने किसी को बेचना होगा या कुछ भी करना होगा, तो यहाँ का डाटा आपने यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है। तो आपको सबसे पहले अपना फ़ोन खोलना पड़ेगा, सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। ये आ रहा है अपना ऑप्शन, देख सकते हो आप। सेटअप इन न्यू आईफोन, यूज़ योर एप्पल आईडी dharm@gmail.com। जो मेरी जीमेल है और जो भी मेरा डाटा है वो इसमें ट्रांसफ़र हो सकता है। आप कंटिन्यू करोगे यहाँ से। ये मेरा पुराना आईफोन है, इसको मैं डाटा को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ अपने नए आईफोन में। ये आप देख सकते हो, जब तक आपको ये ब्लू वाला स्क्रीन दिख रही है, जब तक आप इसको स्कैन नहीं करोगे इससे, तब तक आपका डाटा ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। तो ये मैंने आपको यहाँ से जैसे बार कोड यूज़ करते वैसे हो गया। एंड देन गेटिंग थिंग्स रेडी, यहाँ पे आपने जो मेरी पुरानी एप्पल आईडी है वो इस फोन में ट्रांसफ़र हो जाएगी। सेटअप कर दिया मैंने, यहाँ पे मेरे को पासवर्ड डालना पड़ेगा। एंटर पासकोड ऑफ योर अदर आईफोन। तो आप देख सकते हो गाइज, ये दोनों फ़ोन का जो ये मेरा डाटा है यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है। इसमें ऑप्शन आ चुकी है ट्रांसफ़र डाटा फ्रॉम आईफोन, इसको कंटिन्यू कर दो। 20 से 25 मिनट लगते हैं नॉर्मली। जो मेरे पुराने आईफोन में जितना डाटा होगा उसमें डाटा ये ट्रांसफ़र होता रहेगा। वैसे भी बता सकता हूँ, इसका जो मेरा ये पुराना आईफोन है ये 64 GB का था, जो मैंने ये नया लिया है ये 256 GB का है, जिसका प्राइस है आपका 90,000 के समथिंग आप मेरे को पड़ा। इसमें बेनिफिट ये है कि जो मेरे पुराने आईफोन का जो डाटा है वो जो भी है, इवन आपका गूगल पे अकाउंट है, यूट्यूब स्टूडियो वगैरह, एनीथिंग जो भी आपके पुराने आईफोन में कॉन्टैक्ट तक होंगे वो आपके नए फ़ोन में कन्वर्ट हो सकते हैं। इसको आप फिर रिसेट कर सकते हो, या किसी को बेचना हो तो आप दोबारा इस चीज़ को यूज़ करो। इसमें लिखा आ रहा है ट्रांसफर कंप्लीट, इस पर आ रहा है नो सिम। अभी यहाँ पर इसका स्लॉट है, देख सकते हो आप, इसको आप पंच करो, और ये है स्लॉट इसका। फाइनली सिम डल चुकी है। मेरे आईफोन का डाटा था वो यहाँ पे आ गया, शो हो गया मुझे। A to Z जो डाटा है यहाँ पे शो हो रहा है, देख सकते हो आप। जितना मेरे पुराने आईफोन का डाटा था वो इसमें शो हो रहा है अभी। तो ये बेनिफिट मेरे को आईफोन का लगा। और बाकी ऑलमोस्ट अभी देखते हैं इसकी पिक्चर क्वालिटी। यूट्यूब पे जा सकते हो आप। सो फाइनली आपने इसकी पिक्चर क्वालिटी तो अभी देखी होगी, बहुत ही बेस्ट है। आप कैमरा खोल के भी देख सकते हो कैमरा, इसकी क्लैरिटी। चूज योर स्टाइल का सिनेमैटिक का एक ऑप्शन आ जाता है इसमें, सिनेमैटिक वीडियो का। सो गाइज मैं करता हूँ अभी अपना अनबॉक्स अपना चार्जर। चार्जर मैंने लिया
एक्स्ट्रा, क्योंकि आईफोन के साथ कोई भी चार्जर नहीं आता, टाइप सी में इसकी चार्जिंग होगी। तो इसको करते हैं अनबॉक्स। अभी नॉर्मल चार्जर है कि 2000 से ऊपर, आप देख सकते हो इतना सा चार्जर हमें 2000 से ऊपर पड़ा। ये 20 वॉट का है और इसमें जो केबल लगेगी वो टाइप सी की लगेगी। ये देख सकते हो आप न्यू आईफोन में जो केबल है वो टाइप सी से अपना जो आईफोन की केबल होती है वैसे लगेगी। और इसमें 20 वॉट का ये चार्जर रहेगा अपना। आप इसको मेरे हिसाब से, वैसे अगर आपने 90,000 रुपये खर्चे हैं फ़ोन के लिए, तो आपको एक अच्छे सा चार्जर लेना चाहिए। आपको मार्केट से ऐसा नॉर्मली चार्जर नहीं लेना चाहिए, आपको 2000 लगे पर आपको एक अच्छा 20 वॉट का चार्जर है जो आपकी आईफोन की बैटरी की जो हेल्थ होती है उसको बनाए रखता है। और बैक साइड देख सकते हो आप, ये इसके 2 कैमरास, सिंपल आईफोन हमारा, बाकी लोगो लगा हुआ है और ग्लोसी सीरीज है पीछे से, बैक साइड से देख सकते हो आप। ओवरऑल कॉम्पैक्ट सी जो आपकी पकड़ने की जो ये एक वन हैंड, आप इसको यूज़ कर सकते हो अगर आपने करना है तो। ओवरऑल मुझे काफ़ी अच्छा लगा। 11 से सीधा 14 पे इसलिए गया क्योंकि इसका मन था लेने का। 13 के लिए भी ऑप्शन थी बट कुछ दो या तीन चीज़ें इसमें एक्स्ट्रा फ्यूचर वाली है, तो इस 90,000 पे खर्च करके मैंने 256 GB का जो डाटा है इसमें इंटरनल मेमोरी है वन टाइम यूज़ की, तो आप 1 से 2 साल तक इसको यूज़ नॉर्मली कर सकते हो। तो आईफोन 14 लेने के बाद मैं काफ़ी खुश हूँ अभी। बाकी इसकी परफॉर्मेंस मैं आगे बताता रहूँगा इन फ्यूचर अपनी वीडियोज़ में जो मेरी ब्लॉगिंग वगैरह आएगी। और लुक ओवरऑल ये रहे गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगली वीडियो मिलते हैं फिर से धर्मवीर सिंह के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।